नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और डंके की चोट में बात करेंगे जेपीएससी 7वीं से 10वीं के पीटी परिणाम पर। सूबे में सियासत तेज हो गई है। मामला एक सीरीज के रोल नंबर वाले 34 छात्रों की सफलता से जुड़ा है और ये एक संयोग ही है कि 1102 सेंटर में से 3 सेंटर से ऐसे मामले सामने आए हैं। जेपीएससी 7वीं से 10वीं के पीटी परिणाम पर सियासत। एक सीरीज के रोल नंबर वाले 34 छात्र हुए सफल। लगातार रोल नंबर वाले छात्रों की सफलता पर जारी है सियासत। 1102 सेंटर्स में से 3 सेंटर्स से ही आया है ऐसा मामला। लातेहार, लोहरदगा और साहिबगंज सेंटर पर से ही आए हैं ऐसे मामले। बाकी किसी भी सेंटर से नहीं आया इस तरह का मामला। कहीं 6, कहीं 7 और कहीं 10 से 11 छात्र ही सीरीज में हुए हैं सफल। 34 सफल छात्रों में से 31 SC/ST छात्र। आदिवासी छात्रों की सफलता पर क्यों उठ रहे सवाल? कुछ छात्रों का सीरीज में सफल होना महज संयोग। जेपीएससी नीट समेत कई परीक्षाओं में दिखा है ऐसा संयोग। जेपीएससी 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी में कुल 4293 अभ्यर्थी हुए हैं सफल। बीसी 2 कैटेगरी से 244, बीसी 1 कैटेगरी से 401 छात्र सफल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 305, एससी कैटेगरी से 389 और एसटी कैटेगरी से 1057। अनारक्षित कैटेगरी से 1897 उम्मीदवार हुए हैं सफल। जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी के परिणाम पर सियासत जारी है। दरअसल पीटी की परीक्षा में एक सीरीज के रोल नंबर वाले 34 छात्र सफल हुए हैं। अब ऐसे में विपक्षी दलों के कुछ नेता परिणाम में गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर जेपीएससी के पीआरओ ने महज संयोग करार दिया है। सत्ता पक्ष ने परिणाम पर सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में ला खड़ा किया और कहा कि सरकार ने महज 40 दिन में परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी जारी कर दिया है। सीरीज में पास हुए 34 छात्रों में 31 छात्र SC/ST वर्ग से आते हैं। जो लोग आदिवासी छात्रों के टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं उनकी मंशा सही नहीं है। रघुबर दास जी से ये सवाल करना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन लोगों ने इस राज्य के नौजवानों का भविष्य कैसे खराब किया, किस तरह से जेपीएससी को पंगु बनाने का उन लोगों ने काम किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कोरोना के दरमियान ही जो निर्णय लिया, जेपीएससी का परीक्षा कराया और 40 दिनों के अंदर में इस राज्य में परिणाम भी सामने आया, हमको लगता है कि देश में ये पहली बार हुआ होगा। ये वही लोग हैं जिस सेंटर की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर अधिकांशता वैसे लोग उत्तीर्ण हुए हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, आरक्षित कोटे से आते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता झलकती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में, आरक्षण का जिनको लाभ मिलता है उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। कुल 1102 सेंटरों पर जेपीएससी पीटी परीक्षा आयोजित हुई थी। सिर्फ 3 सेंटर साहिबगंज, लातेहार और लोहरदगा में एक सीरीज में सफल हुए छात्रों का मामला सामने आया है। जेपीएससी की इससे पहले की परीक्षाएं विवादों में रही है। अब विपक्ष अपने अंदेशे के साथ इस परीक्षा को भी कटघरे में खड़ा करने पर आमदा है और कहें कि प्रथम दृष्टया जो उसमें चीजें झलक रही हैं, उसमें स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह संयोग तो नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी झलक रही हैं जिससे कि जेपीएससी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ यह संयोग नहीं हो सकता है कि एक कमरे में लगातार सारे के सारे रोल नंबर और वो उत्तीर्ण हो जाए।
विवादों में रही जेपीएससी की पहले की परीक्षाओं से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहा। अब एक साथ चार परीक्षाएं आयोजित हुई, चंद दिनों में पीटी का परिणाम भी आ गया। अब महज एक ही सीरीज में कुछ छात्रों के सफल होने के संयोग पर विवाद खड़ा करना कितना जायज है। न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर के साथ आदिल की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और अपने तमाम मेहमानों से हम जानकारी हासिल करेंगे। बता दें आपको कि जेएमएम से तनुज खत्रे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता, सरोज सिंह बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही कांग्रेस से डॉक्टर राजेश किरण हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता इस समय हमारे पैनल में मौजूद है और इन सभी से हम बारी बारी जाएंगे इनके पास और इनका पक्ष जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आदिल भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां पर, रुख करेंगे सीधा बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह की तरफ और उनसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष ने कहा कि ये पॉसिबल कैसे है, इस सीरीज में एक साथ इतने छात्र कैसे पास हो सकते हैं, सवाल उठाया गया। सरोज जी, विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, ये परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से ही, सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये विषय आया कि तीन सेंटर के तीन जगह पे इतने वहाँ पर जो है सो उस सेंटर से सीरीज से कुछ छात्र जो हैं लगातार पास किए हैं, मतलब सीरियली कुछ पास किए हैं और ये सोशल मीडिया और उन पे खबरें आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का इतना ही कहना है कि भाई ये जो अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई एक ही सेंटर से, तो संयोग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम ये भी नहीं कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये भी हम नहीं कहना चाहते कि जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो वह जो है सो गड़बड़ी करके पास किए हैं, और ये भी हम नहीं कहना चाहते हैं कि अगर जिन छात्रों को उसमें अगर गड़बड़ी करके अगर उनको किया गया होगा तो दूसरे के साथ अन्याय भी होगा। दोनों चीजें हैं, तो मैं उसमें यह नहीं कह रहा कि वो जो गड़बड़ी हुई है या नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर नहीं, क्या बीजेपी ये मानती है सरोज जी कि जो छात्र 34 छात्र सीरीज वाइज पास किए हैं, क्या वो मेधावी नहीं है, क्या वो टैलेंटेड नहीं है, क्या उनके अंदर पास होने की क्षमता नहीं है, ये सवाल क्यों उठा रहे हो? देखिए, मैं तो आप जो सवाल कर रहे हैं उसका तो मैं उससे पहले ही जवाब दे दिया, पहले पूरी बात को सुन रहे होंगे आप। हमने ये कहा कि वो पास भी कर सकते हैं, अगर वो पास किए होंगे, अगर संयोग होगा तो अगर उनकी उनको अगर हम उस पे उंगली उठाएंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। और अगर वो गड़बड़ी होगी तो किसी के साथ अन्याय होगा, ये भी ठीक नहीं होगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना ही कहना है कि जब विषय आ गया है तो अगर गड़बड़ी, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसका जांच करने में तो कोई हर्जा नहीं है। और सवाल है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं, निश्चित रूप से ईमानदार अफसर में उनकी गिनती रही है, आईपीएस रहे हैं, ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती है, हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे। झारखंड में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है, कई क्षेत्रों में उन्होंने काम भी किया है, और मैं तो उन्हीं से मांग करूंगा, और वो ईमानदार व्यक्ति भी, तो मैं तो उनसे मांग करूंगा कि भाई ये अगर ऐसा कुछ है तो एक बार उसकी जाँच हो जाए, अगर और जाँच होकर के ये सामने बातें आ जाए। वो जो नौजवान पास किए हैं, अगर सही में पास किए हैं, अगर यह संयोग है तो उनके साथ अन्याय भी ना हो, और अगर गड़बड़ है, अगर कहीं किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसका जांच हो करके भाई दूसरे का भी भविष्य खराब ना हो, किसी टैलेंट को भी ना मारा जाए, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इस पर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसकी जांच हो जाए, बस इतना ही है, जांच होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। जवाब चाहेंगे तनुज खत्री, आप सुन रहे हैं सरोज सिंह को और ये जांच की बात कह रहे हैं, पक्ष जानना चाहेंगे आपका। जी निश्चित तौर पर, देखिए झारखंड गठन के बाद ये पहली बार हुआ कि राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उनका पर्सनल इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं होगा ये कहने में, कि ये सातवीं आठवीं नौवीं और दसवीं परीक्षा संभव हो पाई झारखंड में, झारखंड के अंदर, और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में पहली बार झारखंड के बच्चे शामिल भी हुए। और
जिस तरीके से पिछले दिनों पिछले सालों में जो परीक्षा का स्तर रहा था, जिस तरीके से झारखंड को बदनाम करने की लगातार कोशिश होती रही थी और बदनाम हुआ भी था झारखंड, उसको सुधारने का एक प्रयास और एक बहुत यू समझे कि एक बहुत शानदार कदम था। और मैं उल्लेखनीय बात को इसलिए बार बार रिपीट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्यों माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से यह संभव हो पाया कि पहली बार जब जब जो है पीटी का जो है एग्जाम हुआ, 48 घंटे के अंदर में उसके सारे आंसर किक्स को प्रकाशित कर दिया गया छात्रों के बीच में, और ये सबसे पहली बार की 40 दिनों से भी कम अंतर में, जैसा कि जेपीएससी के द्वारा कहा भी गया था और सरकार भी कटिबद्ध थी, सरकार भी लगातार मार्गदर्शन दे रही थी, समय समय पर दिशा निर्देश देने का काम किया था, कि पहली बार ऐसा हुआ होगा पूरे भारतवर्ष में कि किसी भी लोक सेवा आयोग राज्य की लोक सेवा आयोग में इतनी जल्दी रिजल्ट आया। और दूसरी उल्लेखनीय बात कि तत्काल जो है जनवरी माह में जेपीएससी जो भी उत्तीर्ण हुए हैं छात्र, उनकी मुख्य परीक्षा जो कि मेंस परीक्षा कहलाती है, वो लेने का काम होने जा रहा है जी। तो ये इस राज्य की लोकप्रिय सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की और सभी गठबंधन के दलों की एक जो सोच है कि यहाँ के राज्य के का जो जो पलायन हो रहा था, जो पतन हो रहा था, ब्रेन का ड्रेन हो रहा था, वो ना हो पाए। और आप सोचिए कि पिछली जो सरकारें रही उन्होंने 6 जेपीएससी मात्र हुई, आज 20 सालों के कार्यकाल में आप सोचिए कि कितनी जेपीएससी होनी चाहिए थी, अगर हर साल भी जेपीएससी होती तो भी 20 होती। तो इस तरीके से रफ्तार देने का काम किया और एक शुरुआत मात्र है। और मैं फिर इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि राज्य की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कटिबद्ध हैं। आप देखिएगा कि किस तरीके से नियमावली को बनाने के बाद सारे विभागों में कार्मिक से लेकर के ये अधिसूचना जारी कर दी गई है कि तत्काल आने वाले समय में, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सचिवालय हो, तमाम जो मतलब ऑफिसर से लेकर के पंचायत तक के स्तर के पदों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। डॉक्टर राकेश किरण कांग्रेस से हमारे साथ है, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। डॉक्टर राकेश किरण, तमाम आपसे आपका पक्ष हम भी जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से जिशान, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिवाली और सारे आपके दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाली दिवाली का आज जो विषय है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा कि इनको जेपीएससी पर अब वैसा कोई प्रश्न अब के समय में इनको नहीं है, ये बस इन लोगों का विपक्ष का ही कहना है कि इसमें मामूली जांच हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जेपीएससी के प्रवक्ता ने आज ही शायद इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने जिलों से रिपोर्ट मांगा है जी, कि जहां पर भी जिन जिलों में, जो 3 जिलों की बात है, वहां पर वो रिपोर्ट तलब किया है। मुझे भरोसा है कि जिस नियत से ये परीक्षाएं की गई है और कमीशन का भी जो अभी जो रुख है, पूरे सरकार का जो रुख है, उस दिशा में चल रही है कि वो जेपीएससी खुद से अपनी छवि को सुधारनी चाहती है। अभी जो उनके सदस्य भी है वो भी काफी मुझे लगता है कि आज के समय में गंभीर हैं। तो ऐसी कोई भी बात, अगर कहीं पर भी ऐसी त्रुटि है या किसी को संशय है, छात्रों को भी संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट तलब की गई है, उसकी बात आ ही जाएगी वहां से, जिलों से, लेकिन इस बात को तो मानना होगा। तनुज जी ने भी इस बात को कहा कि सेम विद इन 24 आवर्स मॉडल आंसर शीट जारी हुई है। ये सराहना की बात है, जहां पर वर्षों तक नियुक्तियों के फॉर्म भरा के छोड़ दिए जाते थे, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, और कम समय में इसके आज पीटी का रिजल्ट आ गया और कमीशन ने घोषणा की है कि जनवरी तक हम ये ले लेंगे। तो ये सराहना की बात है, लेकिन आपके जो बात है कि आज जो चर्चा का जो विषय है कि अगर इसमें जांच किसी को लगता है, कोई भी पक्ष हो सकता है, विपक्ष के दल भी हो सकते हैं, छात्र भी जो परीक्षा लिखे हैं, उनके मन में भी संतुष्टि होना चाहिए कि कमीशन हमारे साथ पारदर्शी व्यवहार कर रहा है। और मुझे लगता है कि कमीशन जरूर लोगों को संतुष्ट करेगा और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि और 2 चरण हैं। अगर कोई एक कमरे में भी अगर कहीं कदाचार हुआ है तो वो जिले स्तर की गड़बड़ी होगी, कमीशन पर या सरकार की नियत पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, मैं ये बात तो जरूर कह सकता हूँ। बिल्कुल, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक बार रुक करना चाहेंगे अपने सहयोगी आदिल का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी तमाम चीजें समझ लेते हैं। आदिल, जेपीएससी 7वीं से 10वीं के पीटी परिणाम पर सूबे में सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर पैनल में सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी है, विपक्ष की भी प्रवक्ता है, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे।
जी, दरअसल इस मामले में जब न्यूजीलैंड ने जेपीएससी का पक्ष जानना चाहा तो उनके प्रवक्ता ने बताया कि ये एक महज संयोग है। जेपीएससी के इसके पीछे जेपीएससी ने तीन बातें बताई हैं, जो तीन तर्क दिए वो है कि जेपीएससी का कहना है कि जो सितंबर में परीक्षा हुई थी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी की, ये 1102 केंद्रों पर हुई थी और महज दो केंद्रों पर ही इस तरह का मामला संयोग में आया है, जिसमें एक कमरे में जो छात्र परीक्षा दे रहे थे उनका सीरीज से उनका निकल गया। जैसे उदाहरण के तौर पर माने तो कोई छात्र 65 है, उसके पीछे 66, 67, 68 ऐसे करते हुए करीब 34 छात्र हैं। और जेपीएससी ने बताया कि इस 34 छात्रों में 31 छात्र जो हैं वो आरक्षित वर्ग से आते हैं और 3 छात्र जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो इसमें ऐसा किसी गिरोह का भी ऐसा नहीं लग रहा है जो किसी जो नई तकनीक के इस्तेमाल करके परीक्षा में कदाचार का कोशिश किया और रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश किया हो, तो ऐसा कोई मामला जेपीएससी की तरफ से नहीं। जेपीएससी का ना ये एक महज संयोग है कि जिस तरह नीट की परीक्षा में भी अभी देखने को मिला था, श्यामली स्कूल है उसमें 40 बच्चे जो है स्कूल के एक ही साथ पास कर गए थे, तो ये एक संयोगी था। जेपीएससी भी इस मामले को एक संयोगी बता रहा है कि एक कमरे में बैठे हुए छात्र जो है वो एक सीरीज में उनका परिणाम वो सफल हुए। जी जीशान, चलिए तो एक बार अपने सहयोगी आदिल से तमाम हम जानकारी ले ली और अब सीधा रुख करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सरोज जी, ये महज एक संयोग है, ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ है। अगर हम बात करेंगे नीट के परीक्षाओं की तो वहां पर भी सीरीज वाइज जो है परीक्षार्थी पास हुए हैं और जेपीएससी की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि ये एक महज संयोग है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए 7वीं से 10वीं जेपीएससी की हम बात करते हैं, आपकी सरकार में ये परीक्षा भी आयोजित नहीं हुआ, इस सरकार में ये परीक्षा आयोजित हुआ और इतने कम समय में पीटी के परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं पहले भी कहा फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि संयोग हो सकता है, आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं संयोग है लेकिन शक जब शक जाने लगे जब अगर सीरीज से एक ही ये में बच्चे पास हो गए, तो मैं पहले भी कहा फिर कह रहा हूं कि संयोग भी हो सकता है और गड़बड़ी भी हो सकती है। तो मेरा इतना ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी का इतना ही कहना है कि एक बार इसकी जांच हो जाए। अब प्रवक्ता जितना गिना रहे थे कि सरकार ऐसे है, सरकार कटिबद्ध है, अब 5 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, विज्ञापन पिछले दिनों सरकार निकाली थी, ये सरकार कह के आई थी 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, साल में नहीं देंगे तो भत्ता देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को, ग्रेजुएट को, क्या सरकार दे रही है? क्या सरकार भत्ता दे रही है? तो सवाल ये भी है ना सरोज जी कि पहली से छठी जेपीएससी की परीक्षा हमेशा विवादों में रही, आपके सरकार की भी हम बात करेंगे, कोर्ट तक ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, पहली दफा विवादों से मुक्त होकर इस परीक्षा का आयोजन किया गया, ये भी एक बड़ी बात है सरोज जी। ऐसा है, अब एक लाइन हम बोलेंगे और आप प्रति प्रश्न करिए। नहीं नहीं जी, आप तो पूरी सुन लीजिए, दो दो लोग बोले हैं उसके बाद हमको बोलना है जी, तो मेरी बात पूरी सुन नहीं रहे, हम एक लाइन बोल रहे हैं आप प्रति प्रश्न कर रहे हैं। मेरा तो इतना कहना है जी कि इसकी जांच हो जाए, और हमने तो कहा कि जेपीएससी के चेयरमैन साहब से हम आग्रह करेंगे कि इसकी जांच करा दे, जांच हो जाए, और मुझे उन पर भरोसा भी है, मैं पहले भी कहा। और ये जो कह रहे हैं कि एग्जाम तीनों परीक्षाओं का हुआ है, रिजल्ट जल्दी आया है, तो इसका भी श्रेय उनको है। मैं तो पहले कहा कि कॉम्पिटेंट अफसर रहे हैं और उन्होंने किया है, तो इसका श्रेय भी उन्हीं को है। ठीक है, सरकार उनको नियुक्त किया है तो बात सही है, लेकिन इसका श्रेय भी उनको है, वो तो मैं पहले भी कह रहा हूं। लेकिन मैं उनसे उम्मीद भी है, मुझे उनसे उम्मीद भी है कि भाई इस पर एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और जिन अगर बच्चे संयोग है अगर पास किए हैं तो उनका भी भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, और अगर गड़बड़ियां हैं तो जो बच्चे अगर उससे वंचित रह गए हैं उसके कारण, तो उसका भी ख्याल होना चाहिए, उसका भी भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार जांच तो जरूर हो जाना चाहिए। अब सरकार क्या कह रहे हैं, सरकार नहीं, अब बात हो रही है जेपीएससी पर नियुक्ति पर चले गए, नियुक्ति पर बताइए 5 नियुक्ति जो 18-19 का सरकार विज्ञापन रद्द कर दिया, सरकार नौकरी दे नहीं रही है और सरकार जो है सो नौकरी छीनने पर लगी हुई है, आप वादा करके आए थे। सुनिए, बात ये भी है सरोज जी कि सवाल उठाना बहुत आसान है लेकिन अपने पास्ट को भी देखना पड़ता है, और कई पास्ट में जब आप जाएंगे तो कई चीजें सामने आएगी और जिसका आप एनालिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले कितनी गलतियां हुई और उन गलतियों का भुगतान इस समय कहीं ना कहीं
वो भुगतान लोग कर रहे हैं। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, हम आपकी प्रतिक्रिया का जवाब जेएमएम के प्रवक्ता से चाहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता से चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में झारखंड में आदिवासी बच्चों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, वो मेधावी निकल रहे और अच्छे अच्छे रैंक में पहुंच रहे, तो फिर जेपीएससी की परीक्षा में जब इतने आदिवासी बच्चे एक साथ पास हुए हैं तो सवाल उठाना क्या लाजमी है, ये तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, डंके की चोट में जल्द लौटते हैं। से डंके की चोट में तो बातें हो रही है जेपीएससी 7वीं से 10वीं के पीटी परिणाम पर। सूबे में सियासत तेज हो गई है, मामला एक सीरीज के रोल नंबर वाले 34 छात्रों की सफलता से जुड़ा है, और हमारे साथ यहाँ पर सत्ता पक्ष के भी प्रवक्ता मौजूद है, विपक्ष के भी प्रवक्ता मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे सरोज सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, और अब सीधा रुख करेंगे डॉक्टर राजेश किरण का, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि उनका जवाब देंगे। जांच की बात यहां पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, राजेश जी छोटी सी जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे? मैंने तो आपको कह दिया जिशान जी कि जांच की दिशा में तो जेपीएससी स्वयं कितना गंभीर है, उनके प्रवक्ता ने जैसे ही इस पर प्रश्न आया, जैसे बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, छात्रों की तरफ से भी पहली बार जब सोशल मीडिया में ही संशय आया तो जेपीएससी ने स्वयं जिलों में रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आएगा, और कहीं भी अगर किसी एक कक्षा में यह संयोग है या कुछ वहां मैनिपुलेशन है वो जांच में सामने आ जाएगा। कमीशन आज के समय में वो पुरानी कमीशन नहीं है कि भाजपा के समय वाली कमीशन है, ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार है। यहां पर इन सब चीजों के लिए सरकार नहीं बनी है कि हम कमीशन को वो बेच दें, नौकरियों को बेच दें। यहां पर आप पहली बार, आप जिशान जिस बात को मानेंगे, आपके दर्शक भी मानेंगे कि जितने सुदूर और नक्सल क्षेत्रों में सेंटर्स दिए गए थे तो मनसा समझ रहे हैं सरकार क्या करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं कमीशन की ये सोच है कि हम उग्रवाद प्रभावित पिछड़े और ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी, हम इंटीरियर में जहां पर कभी सेंटर की बात छोड़ दीजिए, वहां पर मुख्यालय में हमेशा परीक्षाएं होती थी, यहां तो गांव के क्षेत्रों में हुआ है, और 1100 सेंटर थे पहली बार इतिहास में, झारखंड के इतिहास में। अगर कहीं एक दो सेंटर पे कोई बात अगर है तो कमीशन उसकी दिशा में जांच कर रही है, और सरकार भी गंभीर है। और मैं भी ये कहता हूं कि किसी भी छात्र को इस बात के लिए, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार किसी को किसी तरह की कोई शंका की स्थिति रहेगी, और आप भाजपा के लोग और छात्रों को भी मैं आश्वस्त करता हूं कि आप बिल्कुल बेझिझक आप अपनी आगे की परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, और कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी। तनुज खत्री का रुख करेंगे। तनुज खत्री जी, ये बात बिल्कुल सही है कि 1102 सेंटर में परीक्षा का आयोजन किया गया, और जो संयोग ये हुआ है महज 3 सेंटरों में ऐसा हुआ है जहां पर 34 छात्र सीरीज में पास किए, जिनमें से 31 छात्र आदिवासी है। बस यही तो मामला सारा आ जाता है ना जी, कब ऊपर उठना होगा। आप झारखंड में इन सब चीजों की जगह नहीं है, और बिल्कुल राकेश जी ने जो बात कही कि 1102 जो सेंटर बनाने का काम किया, जिला प्रशासन वहां का हो, चाहे जो राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे जेपीएससी का माध्यम से जो भी हुआ, पिछली सरकार तो पोलिंग बूथ नहीं बनाती थी वैसे जगह पे, उसको नक्सल घोषित कर देती थी। आज शिक्षा का जो छाया है वहां तक जा रही है, और मैं नियुक्ति की बात कही, हम नियुक्ति पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह ज्ञात होना चाहिए, ये 252 पदों की नियुक्ति की ही बात हो रही है, सर्वोच्च सबसे बड़ी परीक्षा है जेपीएससी, और जो नियुक्ति रद्द हुई है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के द्वारा, जो उन्होंने गलत नियम बनाया, यहाँ के झारखंडी बच्चों को जो धकेलने का काम किया, नौकरी नहीं मिले, ये यहाँ पे नौकरी ले ही नहीं पाए, इनका शिक्षा तो दूर की बात है। उस नियमावली को सुधार करके फिर से नियुक्ति होने जा रही है, ये गलत प्रचार ना करें जी। और जहां तक इसकी भी बात है, मैं पुनः वो कहता हूं कि ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है जी, अगर वो जज्बा रखते हैं कि इतना खराब कर दिया था जिसने संस्था को भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अगर गिनाने जाऊंगा तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी किसके कार्यकाल में हुई है, तो अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन हम चूंकि ये जो डिबेट है झारखंड का, जो करोड़ों जो यूथ है, जो छात्र है, झारखंड में कितने छात्र है ना, इसकी डाटा निकाल लीजिए। अभी जब कोवैक्सीन, जब कोरोना के में जब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी तो 1.5 करोड़ तो यूथ है झारखंड में, संभवतः उसी तरीके से अगर छात्र है, लाखों छात्र अगर देख रहे हैं, तो मैं इसमें पॉलिटिकल इसको नहीं करने देना चाह रहा हूं इस डिबेट को। और
बाकी लोगों से भी यही आग्रह है कि जितना सफलता पूर्वक सरकार आयोग को निर्देश देकर सरकार ने यह काम करने का काम किया है तो इसमें राजनीति की कोई जगह ही नहीं बचती है। और जो हाँ बच भी रही है ना तो ये भी चीजें सामने हो ही जाएंगी, हम फिर उस दिन बैठ जाएंगे। तो पूरा श्रेय देने का काम करना चाहिए झारखंड के सरकार को, आयोग को, कि किस तरीके से सफलतापूर्वक एग्जाम हुआ। निशान दीजिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, झारखंड कितना साल पीछे चल गया इस एग्जाम नहीं हो जाने के कारण, और एग्जाम होने के बाद गड़बड़ियां होने के कारण, एग्जाम होने के बाद पैरवी पुत्रों के आ जाने के कारण सबका लिस्ट है पड़ा हुआ, कई मामले न्यायालय में लंबित है, कईयों पर एक्शन होने की बात है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि निष्पक्षता से जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस तरीके की और आने वाले दिनों में जिस तरीके से नियुक्तियों की बाहर आएगी वो देखने का काम कीजिए, और युवाओं को ये संदेश देने का काम कीजिए कि परीक्षा की तैयारी करें। चलिए, तो चर्चा हमारी जारी रहेगी, और जैसा कि तनुज खत्री कह रहे कि इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सबकी जन सहभागिता से आगे बढ़ना चाहिए, और इतने वक्त के बाद सफलतापूर्वक जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, पीटी का एग्जाम हुआ, तो इस पर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश पॉलिटिक्स की नहीं। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, राय जानना चाहेंगे सरोज सिंह का और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी तमाम जानकारी साझा करेंगे और उनसे भी उनकी राय लेना चाहेंगे, और हमारे सहयोगी आदिल जुड़े हुए, उनसे भी तमाम बातें हम जानेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल डंके की चोट में छोटे से ब्रेक कर जल्द लौटते हैं। फिर से स्वागत है डंके की चोट में, और ब्रेक में जाने से पहले हमारे जेएमएम के जो प्रवक्ता है तनुज खत्री, वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर किसी भी तरह से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इतने लंबे के बाद जो है सातवीं से दसवीं की पीटी के परिणाम हुए हैं और इस पर किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इनका जवाब हम लेंगे अपने प्रवक्ता सरोज सिंह से, जो बीजेपी के हमारे साथ यहां पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी आदिल का रुख करेंगे। आदिल, यहाँ हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद है, जेएमएम की तरफ से साफ कहना है कि इतने लंबे वक्त के बाद जेपीएससी की परीक्षा इस तरह से सफलतापूर्वक आयोजित की गई है और महज 40 दिन के अंदर परिणाम घोषित किया गया है, इस पर किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। आदिल, सहयोगी आदिल की आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, रुक करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह का। सरोज सिंह जी, 1102 सेंटर्स में महज 3 सेंटर्स से इस तरह के मामले आए हैं, महज एक इत्तेफाक, एक संयोग क्यों नहीं हो सकता? और दूसरा सवाल यह है बीजेपी के प्रवक्ता से हमारा कि 34 छात्रों में 31 छात्र SC ST के, तो आखिर क्यों बीजेपी इन मेधावी छात्रों पर सवाल उठा रही है, आखिर क्यों? देखिए, सवाल तीसरा बार आप पूछ चुके हैं और ये दोनों मित्र जो सवाल उठाए हैं उसका भी जवाब देना है जी। आपने कहा मैं 3 बार इसका जवाब दे चुका हूं जेपीएससी पे जी, और रहा सवाल कि मैंने पहले भी कहा, मैं सवाल इतना ही केवल था कि भाई इसकी जांच हो जाए और क्लियर नहीं, जांच की बात आपने कहा कि मैं ये सवाल 3 बार उठा चुका हूं, मैं मुझे पूरा जवाब आपसे नहीं मिल पाया इसलिए मैंने इसे उठाया, आपने जांच की बात कही सरोजी, तो आखिर जांच का ये विषय आप क्यों ला रहे, कहीं ना कहीं आप तो सवाल क्वेश्चन उठा ही रहे। आपको नहीं बोलने दीजिएगा तो आप बोलिए, लेकिन हमारे सवाल का जवाब स्टॉप वो बोले, 5 मिनट नॉन स्टॉप ये बोले, आप 2 मिनट बोले दिए, पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन आप अभी बोलते नहीं, आप सवाल कर देते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, तो सुन लीजिए पूरी बात, तो सुन लीजिए पहले ना जी, बोलिए। वो पर इतना बोल करके चले गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, पूरा जवाब दीजिए, बोलिए। मैंने 10 बार कहा आपके चैनल में, जब जनता देख रही है, सब लोग सुन रहा है कि हमने कहा, हमने कोई सवाल नहीं उठाया, हमने कहा कि संयोग भी हो सकता है, हम तो खत्म कर दिए बात को कि संयोग हो सकता है, और संयोग हो सकता है तो जो छात्र पास किया उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर संयोग नहीं है तो जो छात्र नहीं पास किए उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बात मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, और मैंने इतना ही कहा कि उसका जांच हो जाए, और मुझे उम्मीद है जेपीएससी के चेयरमैन से कि वो जांच करा देंगे, और जैसा कि कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हम मंगा रहे हैं जांच, हम करवा देंगे, ये भी कह रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब सवाल वो है, अब ये कह रहे हैं बार बार जो आप कह रहे हैं कि 24 आदिवासी छात्र यहाँ के छात्र, तो भाई रिजर्वेशन जो है तो 24 आदिवासी छात्र हैं तो उनके जगह पे 24 आदिवासी छात्र ही आएंगे, दूसरा कोई जनरल नहीं आएंगे जी। लेकिन सवाल वो, तो उनके जो पास हुए उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो अगर गलत हुआ है तो जो नहीं पास हुए उनके साथ भी अन्याय नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मैं थोड़े जजमेंट दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जांच हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी जी। लेकिन सवाल यह है,
इसलिए उम्मीद है कि वहां चेयरमैन जेपीएससी के जो है उनसे उम्मीद है, सरकार उकार से नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं और आपको, और एक बात और बता दूं कि जो अभी कुकर्म बता रहे थे, गिना रहे थे कि कुकर्म किए हैं हेमंत सोरेन जी की रघुवर जी की सरकार, तो रघुवर जी ने कुकर्म किया, 3 मेडिकल कॉलेज बना के रख दिए, इनके सुकर्म है आज तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं। रघुवर जी जिनको बहाली कर रहे किए अनुबंध कर्मी पर, उनके कुकर्म थे, इनके सुकर्म है, वो सबको हटा रहे हैं। रघुवर जी ने अच्छा, इस पर क्या राय रखते हैं? बीच में टोक दिया उनको, सुन लीजिए ना, इनके कुछ सुकर्म सुन लीजिए ना, उस पर हम आएंगे सरोजी। नहीं, उनके इतने बोल के ही चले गए, पूरा भाषण लंबा आएंगे, उस पर आएंगे, अभी वक्त है। ये सरकार दो साल, ये सरकार का सुकर्म है कि दारू बेच रही है, और बालू बेचने का तैयारी है, खान खनिज लुटवाया, आज हमारी चर्चा नहीं है, आज हमारी छात्रों से मतलब है क्या, जेपीएससी के मुद्दे पर है। नहीं सुन मेरी बात, चूंकि आपने सवाल उठाया इसलिए मैं इसी से संबंधित आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरे कहने के बाद कोई सवाल है तो आप बताइए। 7वीं से 10वीं की जो परीक्षा आयोजित की गई सफलतापूर्वक, इसी से जुड़ा सवाल, ये बालू का मैटर नहीं है। नहीं तो ये इतने देर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये रघुवर जी के सरकार पर चले गए, तो आप क्यों नहीं तोड़ा? अरे आपने जब रघुवर जी की सरकार परीक्षा के आयोजन से खुश नहीं है सरोज जी? नहीं, ऐसे नहीं होता है सरोज जी, ये बालू पर चर्चा ही नहीं, हम उस पर चर्चा करते निश्चित तौर पर। मेरी बात तो सुनिए तो, इस पर रघुवर जी के कुकर्म की चर्चा है क्या? नहीं नहीं, आप हमको बता दीजिए, रघुवर जी के कुकर्म और सुकर्म की चर्चा हो रही है क्या? नहीं, जो ये तो पिछली सरकार से जो गए, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा, नहीं विवादों तो ये बोल के चले जाएंगे, मैं ताकते रहूंगा क्या? ऐसा नहीं ना है, मैं ये एक चीज, मैं उनका पक्ष लूंगा, लेकिन मामला जेपीएससी से जुड़ा है, तो आपसे यही जानना चाहेंगे सरोज जी, 7वीं से 10वीं की परीक्षा सफलता पूर्वक आयोजित की गई है, बीजेपी क्या राय रखती है इस पूरे मामले पर? मतलब आपकी राय क्या, ये सफलतापूर्वक जो आयोजित हुई है परीक्षा, इसमें फिर से सवाल उठाएंगे? देखिए, पहली से छठी परीक्षा जो आयोजित हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, विवादों में रहा, क्या एक बार फिर से विवाद? कोई विवाद हमने कहा क्या? मैं कुछ कहा क्या भी? कोई विवाद? आप एक बात हमको बता दीजिए जी, कि अगर गड़बड़ी है, सही है तो ठीक है, हम तो फिर कह रहे हैं, अगर गड़बड़ी, तो 10 बार चिल्ला के कह रहा हूं कि सही है तो ठीक है, गड़बड़ी है तो जांच होनी की चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमको बता दीजिए। अगर 3 बार में एग्जाम, अगर बहुत दिनों के बाद एग्जाम हुआ तो गड़बड़ी में भी सही हो जाए, ये हमको बताइए। अगर गड़बड़ी हुई तब फिर मैं कह रहा हूं, अगर गड़बड़ी हो तो जांच हो कि नहीं हो, ये हमको बता दीजिए। कि नहीं एक एग्जाम बहुत दिन के बाद हुआ इसलिए गड़बड़ी भी है तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि गड़बड़ी ही है, हम कह रहे हैं कि एक बार जांच हो जाए, इतना ही तो होता। और सवाल है कि जितना ये सवाल उठा रहे हैं, जितना ये इन्होंने दूसरे विषय पर बोला, तो आप इनको टोके नहीं कि भाई ये जेपीएससी पर है, इसी पर बोलिए, बाहर मत बोलिए। जब बाहर बोलेंगे तो इनके सुकर्म तो हम गिनाएंगे ना, जेपीएससी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको बताते ना कि भाई जेपीएससी पर चर्चा है, उस पर बोलिए, इनको पूछिए कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होना चाहिए कि नहीं, उस पर हम आएंगे। और जेवम के प्रवक्ता से तो इनसे सवाल वो सवाल इनसे करिए ना, और ये तो कांग्रेस के मित्र ने कहा, लेकिन हम अपने सहयोगी हम जांच करवा रहे हैं, हम आएंगे उस पर भी। सरोजी, यहाँ पर बालू मुद्दे पर बात नहीं हो रही और किसी अन्य विषय पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है, जेपीएससी के मुद्दे पर हो रही है, इसलिए जेपीएससी जांच करवा रही है, जेपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने सहयोगी आदिल का रुख करेंगे। आदिल, तो जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की पीटी परिणाम पर जिस तरह से सूबे में सियासत हो रही है, अगर यहां पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है सरोज सिंह, उनका कहना है कि अगर इसमें गड़बड़ी तो जांच होनी चाहिए, और एक तरफ जेएमएम के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से विवादों में रहा, इस सरकार ने उन विवादों को दूर करने का काम किया, समय पर सफलतापूर्वक इस परीक्षा के आयोजन में एक अहम भूमिका यहां पर निभाई गई है और वक्त पर परीक्षा हुआ है, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे आने वाले वक्त में भी, जानकारी चाहेंगे आपसे। आदिल, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुछ तकनीकी खामियां आ गई, हम रुक करेंगे जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री का। तनुज खत्री जी, आप सुन रहे थे यहां पर, चूंकि ये हमारा मुद्दा पूरी तरह से जेपीएससी पर है और हम चाहते कि राज्य का भविष्य आगे बढ़े, किसी भी तरह के विवादों में कोई परीक्षा ना हो, सफलतापूर्वक जब परीक्षा का आयोजन हो रहा है साफ पूरी तरह से होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, लेकिन कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर रहे थे आपके सामने, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। का मैटर पर डिबेट हो रहा है और हमें लगता है कि हम सब लोग उस डिबेट को करने के लिए काबिल हों, और नहीं है तो बनने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा,
कि पिछली जो सरकारें रही जेपीएससी को क्या कर दिया था, कौन सी गलत बात है। उस रघुवर जी के पहले के भी मामले में जब हम चले जाएंगे ना, तो पहली दूसरी तीसरी में क्या हुआ वो भी सब दस्तावेज मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन एक जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति होने के नाते कि आज झारखंड की का जो युवा है वो इस डिबेट को देख रहा है, मैं उस चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, हेल्दी रखना चाहता हूं, नहीं तो क्या क्या निकलने लगेगा ना, वो सारी चीजें ऑलरेडी पटल पर है। हम ये सिंपल वर्ड में ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जिस तरीके से दृढ़ संकल्प से ये सारी चीजें संभव हो पाई, और आने वाले दिनों में देखिए क्या है ना कि जिसको आपने कचरा बना दिया, जिसको आपने इतना बदनाम कर दिया था, उसको सुधारने पर जो जिस तरीके से जिस रफ्तार से काम हो रहा है उसको देखने की जरूरत है, उस पर उसको समझने की जरूरत। और मैं आपको भी भरोसा दिला रहा हूं कि आज कहीं से जिस दिन ये जो लाखों जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे, कहीं से कोई कदाचार की खबर आई, आपके कैमरामैन सभी जिलों में मौजूद थे, कहीं से कोई खबर आई किसी प्रकार की कोई अनियमितता सुनाई दी, और इतना फास्ट ट्रैक मोड पर रिजल्ट आने आया। रिजल्ट आने से पहले आंसर की बता दिया गया कि आपने जो आंसर लिखा है उसको जाकर के वेबसाइट पर डाउनलोड करके देख लीजिए, कॉपी के की छाया प्रति आ गई और किस प्रकार से पीटी का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। तो ये जो फास्ट ट्रैक पर काम हो रहा है और बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी मॉनिटरिंग के साथ काम हो रहा है, आज कोई प्रश्न चिन्ह बचा ही नहीं है। और उसके बाद भी मैं उदारता के साथ ये कह रहा हूं, कहीं से भी कोई अगर इक्का दुक्का अगर आ जाती है बातें तो आप सबके संज्ञान में है। आज ये प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी आपका देख रहे हैं, अगर आएगी तो बातें वो सामने होंगी और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप अब बदनाम हम नहीं करने देंगे। आपने झारखंड की संस्थाओं को बहुत बदनाम किया, उसकी तुलना व्यापम से होने लग गई थी। उसको सुधारने के लिए हेमंत सोरेन जी ने नियमावली बनाई, आज तक नियम नहीं बना हुआ था जेपीएससी का परीक्षा, जैसे मन में आता था वैसे परीक्षा लेते थे, घर जाकर के घर बुला करके इनके मुख्यमंत्रियों ने इंटरव्यू करवाने का काम किया है, वो सब में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं कि किस तरीके से विकास की जो लहर बह रही है, रोजगार की जो लहर बहेगी आने वाले समय में, यह भी रोजगार ही है, इसको समझने की जरूरत है। इससे 252 लोग को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में जब मेंस की परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, तुरंत विज्ञापन निकलेगा कि आगे 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी होगी, तो उस चीज को समझने की जरूरत है। और जनता और युवा भी समझ रहे हैं, लेकिन दिग्भ्रमित करने अगर कोई काम करेगा तो वो हम जब तक मौजूद रहेंगे जहां पर वो चर्चा हो रही होगी वो नहीं करने देंगे। आप इस चीज को आज एकदम गांठ बांध लें। चलिए, तो फास्ट ट्रैक पर काम हो रहा है, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आगे भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, तो इस पूरे मामले पर विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे होगा और सरोज जी मामला जाइए अपने बातों का जवाब नहीं देने दीजिएगा। खुद कहते सही है, गलत बोलत क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बातों का जवाब देने दीजिए, जवाब नहीं आपको यार, जवाब दीजिए, दे ही पा रहे हैं जवाब, बातों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा क्या होता होगा, 20 साल का आपका हम लोग देखे हैं ना, क्या किया आप, अरे आप भी सरकार में आए, पूछिए हेमंत सोरेन की सरकार में आए, पूछिए हेमंत सोरेन की सरकार में आए, लेकिन कहां थे बाबू दीजिए ना, ये सरकार 2 साल में कोई काम नहीं।
नहीं किया है। दो साल केवल सरकार लूटी है, इनके पे हुजा बातें का भी तो जवाब देने दीजिए ना हमको। तो ये आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? बोलने नहीं दीजिएगा, सियासत चलता रहेगा, हंगामा चलता रहेगा। और निश्चित तौर पर हमने जो ये मुद्दा उठाया आज का, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, और निश्चित तौर पर हम ये बताने की कोशिश किए कि ये एक महज इत्तेफाक है, संयोग है, और संयोग हो सकता है पहले की परीक्षा में इस तरह के संयोग हुए हैं। डंके की चोट के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।